हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पीडिया इन्फो। और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को एसएससी का जूनियर इंजीनियर का जो वैकेंसी आया है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जैसा कि देख रहे हैं ssc.nic.in पे चलिए जाते हैं। और यहाँ पे आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे 5 टैब हैं, होम, नोटिस, अप्लाई, एडमिट कार्ड, आंसर के एंड रिजल्ट। तो आपको अप्लाई पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको CGL, CHSL, स्टेनो एंड JEE। तो दोस्तों, JEE पे क्लिक करना है। JEE वाले पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन 2017। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट हुआ है 21 अक्टूबर से और एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट इज 17 नवम्बर। दोस्तों, आपका एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 21 अक्टूबर से हुआ है और लास्ट डेट होगा 17 नवंबर। यहाँ पे लिंक दिख रहा होगा आपको, क्लिक टू अप्लाई। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पार्ट वन का पेज आ गया है। दोस्तों, आपको यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है रजिस्ट्रेशन पार्ट वन, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अप्लाई पार्ट में जाएंगे, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड कैप्चा डालने के बाद सबमिट करोगे। यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस दिए हुए इंस्ट्रक्शन। एप्लीकेशन बिगिन डेट 21 अक्टूबर, एप्लीकेशन इन डेट 17 नवंबर अप टू 5 PM, ऑफलाइन चैनल जनरेट इन डेट 17 नवंबर एंड पेमेंट थ्रू SBI चलान 20 नवंबर, और एग्ज़ाम नोटिस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है, नेम, वेरीफाई नेम, फादर नेम, वेरीफाई फादर नेम, मदर नेम, वेरीफाई मदर नेम, सेकेंडरी बोर्ड एग्ज़ाम रोल, आपका जो रोल नंबर है 10th वाला वो डालना है, फिर वेरीफाई करना है उसको। डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है दोस्तों, जेंडर, वेरीफाई जेंडर, और यहाँ पे कैप्चा कोड है वो डालने के बाद एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होते ही दोस्तों आपके मोबाइल पे मैसेज भी आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन का, और यहाँ भी आएगा रजिस्ट्रेशन, तो उसको फर्दर रेफरेंस के लिए आप नोटिस कर लीजिए। चलिए, मैं करता हूँ रजिस्ट्रेशन। सपोज यहाँ पे नेम डालते हैं, माई नेम इज, दोस्तों ये आपका डमी है। फिर आपको यहाँ पे अपना नाम डालने के बाद फादर नेम डालना होगा, ठीक है दोस्तों। फिर वेरीफाई करना होगा, फिर मदर नेम डालना होगा, फिर वेरीफाई करना होगा इसे। आपका रोल नंबर यहाँ पे डालना होगा 10th का, फिर डेट ऑफ बर्थ, आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दोगे, फिर वेरीफाई करना है उसे। ठीक है दोस्तों, ये सब डालने के बाद यहाँ पे दोस्तों एंटर कर देना। प्लीज़, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा, प्लीज़ चेक योर डिटेल्स, यू कैन नॉट चेंज दिस पार्टिकुलर फील्ड्स इन फ्यूचर, डू यू वांट टू सबमिट। इसमें आपको कह रहा है कि दोस्तों सबमिट करने के बाद आप फ्यूचर में इसे चेंज नहीं कर सकते, तो एक बार चेक कर लीजिए कुछ गलत तो नहीं है, अदरवाइज नहीं है तो सबमिट। ओके, दोस्तों यहाँ पे आपका डिटेल्स आ गया है। अब इसमें डिटेल्स एप्लीकेशन भरने हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे।
तो चलिए यहाँ पे वी नेम डाला हुआ है, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट ले चुका है ऑलरेडी। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क आपके बॉडी का कुछ डालना होगा, जैसे मोल मार्क ऑन नोच आपका जो होगा वो डाल दीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें है कि कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी ओबीसी जनरल। अगर आप एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास एक वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए गवर्नमेंट अथॉरिटी से इशूइंग। तो चलिए जनरल, फिर वेरीफाई योर कैटेगरी, फिर यहाँ वेदर यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, नो। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यू कैंसल चूज यस। फिर नेशनैलिटी इंडियन, इफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इफ यस देन यू कैन चूज यस अदरवाइज नो, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर आप आपको यहाँ पे देने होंगे, वो सर्टिफिकेट नंबर है उन लोगों के लिए जो डिजेबल हैं, तो उनका डिजेबल। फिर यहाँ पे आपको परमानेंट मोबाइल नंबर आप सॉरी एड्रेस डालना होगा, तो दोस्तों आप अपना एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिएगा। ठीक है, कॉमा नोट लॉट C400 सेक्टर 22 नोएडा। स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए आप जहाँ से भी हो, पिन कोड डालना है, ठीक है दोस्तों। फिर आप एसटीडी कोड मोबाइल नंबर एक आप यहाँ पे डाल दीजिए जिस पे मैसेज आएंगे, तो ठीक है। फिर आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा, कंफर्म ईमेल आईडी, अपना ईमेल आईडी यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर कंफर्म कर दीजिएगा, चलिए। और यहाँ पे जैसा कि आपको कैप्चा कोड दिख रहा है वो डाल देना है, और यहाँ पे आपको सबमिट कर देना। डू यू वॉन्ट टू सबमिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यस ओके। देखिए सबमिट करते ही आपका यहाँ पे दोस्तों ये जो रेड में जो इन्फॉर्मेशन दिया हो, प्लीज कीप योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड सेफली। ये आपका योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर इज 64008357039 एंड पासवर्ड इज 2428। ये दोस्तों आपको सेव करके रख लेना है, नहीं हो तो आप मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर एक पेन पेंसिल से लिख लेना है फ्यूचर के लिए, क्योंकि जब भी अप्लाई पार्ट होगा यहाँ पे आपको एक फिर अपलोड पिक्चर करने होंगे और अपलोड सिग्नेचर करने होंगे सबमिट करके, और नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करते ही लॉग आउट हो जाएगा, उसके बाद आपको अप्लाई पार्ट टू पे जाना होगा, रजिस्ट्रेशन वर्क के जस्ट बगल में अप्लाई पार्ट, वहाँ पे ये जो नंबर है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड उसको वहाँ पुटअप करना है, और सबमिट करते लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपको पेमेंट करना है, और उसके बाद डिटेल्स एप्लीकेशन जो भी होंगे भरना है। तो दोस्तों यहीं पे आज का वीडियो समाप्त करते हैं, और आप इस तरह से एसएससी जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रैक्ट एंड सर्वेयर का फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एवं वेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।